हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 2, दादी की घड़ी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, देर ना करते हुए अपन जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें दिए हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विवाह ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ऑप्शन ए निपात, बी तत्सम, सी तद्भव, डी देशज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निपात। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तकिया राम सुबह चार बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? भैया ने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने? तो आप लिखिए ऑप्शन डी दादी ने। प्रश्न नंबर 3, पिकनिक का अर्थ है मृत्युभोज, भोज, प्रीतिभोज, उद्यान भोज। तो इसका सही आंसर है डी वाला उद्यान भोज। प्रश्न नंबर 4, आप रात तक आ जाना वाक्य में निपात है। निपात शब्द है ए जाना, बी तक, सी आप, डी रात। तो इसका सही आंसर है डी रात। प्रश्न नंबर 5, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है तालाब, ताला, जवान, आश्चर्य। तो इसका सही आंसर है डी आश्चर्य। अब अपन देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, दीपू के स्कूल के बच्चे कहाँ जा रहे थे? सांची घूमने। तो आप इसमें लिखें सांची घूमने जा रहे थे। प्रश्न नंबर 7, दीपू घर में सबसे छोटा था। क्या लिखेंगे आप? सबसे छोटा था। प्रश्न नंबर 8, दीपू की घड़ी कहानी में, दीपू की घड़ी कहानी में अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, इंस्पेक्टर हमारे दिल भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 10, कहानियां शब्द का एक वचन रूप कहानी है। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो आप लिखिए आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। अब प्रश्न नंबर है 13, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? इसका आंसर है दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त दीपू से ईर्ष्या करते थे। अब प्रश्न नंबर है 14, हाँ और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए, दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी, दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। इसमें ही भी आ गया और भी आ गया। दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी, दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे।
अब अपन देखेंगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है प्रश्न नंबर 15, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना यानी होता है चुप्पी अपना लेना। वाक्य में प्रयोग, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी, यानी दम साध ली थी। दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, घड़ी कैसे टूट गई थी। दीपू के सिराने पर घड़ी रखी हुई थी। रात में दीपू ने घड़ी मैं एक किक मारी और सोते समय दीपू को होश न होने के कारण घड़ी टूट गई। अब प्रश्न नंबर है 17, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दादी और मम्मी से कहा। दादी ने कहा मैं सुबह देर से उठूंगी, इस कारण मना कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। 17 प्रश्न, 18 वाला, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। यदि हमको जाना है तो हम सबसे पहले हमारा ज़रूरी सामान रखेंगे, कपड़ा रखेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। अब प्रश्न वाला 20 है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तब हमें यह जगा देता है। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट पूरा हो गया है 20 क्वेश्चन, और इसमें 12वां क्वेश्चन रह गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 12वां क्वेश्चन मिस हो गया है इसमें। यह पार्ट आपका पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे।